बहुत समय पहले इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा भगवान के दर्शन करना चाहता था। एक बार ब्राह्मण उनके पास आया और उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक एक अत्यंत पवित्र स्थान के बारे में बताया। इस पवित्र विशेष स्थान पर भगवान कृष्ण के सुंदर रूप की पूजा की जाती थी। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुरंत उसने अपने सबसे अच्छे लोगों को बुलाया। उनमें विद्यापति नामक एक सरल विनम्र ब्राह्मण थे। इस ब्राह्मण को इस विशेष स्थान का पता लगाने और नीलमाधव नामक देवता को खोजने का कर्तव्य सौंपा गया था। विद्यापति अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न थे। वह नीलमाधव की भक्ति और विचारों में इतना खोए हुए थे कि पूरी लंबी यात्रा के दौरान उन्हें कभी भूख और प्यास नहीं लगी। कई दिनों की यात्रा के बाद विद्यापति की मुलाकात विश्वाबासु नाम के एक ग्राम प्रधान से हुई। विश्वाबासु नीलमाधव की पूजा करके घर लौट रहे थे। उनके शरीर से मधुर सुगंध आ रही थी और आनंदमय शांति चमक रही थी। सुखद बातचीत के बाद विश्वाबासु ने विद्यापति को कुछ प्रश्न देने के लिए घर आमंत्रित किया। हालांकि विद्यापति तब तक कुछ भी स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे जब तक कि उन्होंने भगवान नीलमाधव के दिव्य रूप को नहीं देख लिया। पहले तो विश्वाबासु विद्यापति को दिखाने में काफी झिझक रहे थे, लेकिन अंततः वह मान गए। वह विद्यापति को एक पहाड़ की चोटी की ओर घने अंधेरे जंगल में ले गया। रात भर चलने के बाद